खुदकुशी करती है। माल, दौलत, गाड़ी, शोहरत और क्या चाहिए बंदे को, मशहूर इतनी पूरी दुनिया जाने, दौलत इतनी बस ऑर्डर करे, गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी हैं, जो खाना चाहे खाना उसके पास अवेलेबल है, दुनिया का जो ब्रांड पहनना चाहे वो ब्रांड उसके लिए अवेलेबल है, लेकिन खुदकुशी करती है और कागज पे लिखती है मुझे सब कुछ मिल गया लेकिन फिर भी अंदर में वो चाहिए था जिसका मुझे पता ही नहीं, जिसकी मैं तलाश में थी, मैं मर रही हूं शायद मरने के बाद मुझे वो मिल जाए जिसकी मैं तलाश में हूं। क्यों दुनिया के अमीरों को सुकून नहीं? आप समझते हो ये चीज मिल गई तो सुकून मिलेगा? हाँ मिलेगा, टेम्परेरी, फिर बोर हो जाओगे, महंगी से महंगी गाड़ी लोगे बोर हो जाओगे, खूबसूरत से खूबसूरत वजूद तुझे मिल जाए फिर बोर हो जाओगे, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े सिलवा लो, छह महीने के बाद कहोगे फिर नया जोड़ा सिलवाना है, क्योंकि ये आप सबके अंदर लामहदूद की ख्वाहिश है। अब सुनिए इमाम का जुमला, मासूम फरमाते हैं इंसान दुनिया में उस लामहदूद को ढूंढता है, दुनिया में जो कुछ भी है वो महदूद है। अगर तेरे अंदर ला महदूद की तमन्ना है, अगर तू किसी चीज का तालिब है, जब तालिब है तो मतलूब का होना जरूरी है, अगर मेरे अंदर पानी की प्यास है तो पानी का होना जरूरी है, अगर मेरे अंदर खाने की तलब है तो खाने का होना जरूरी है, अगर मेरे अंदर शहवत है तो शहवत के इजाले के लिए किसी चीज का होना जरूरी है, अगर अल्लाह ने कान दिए हैं तो आवाजों का होना जरूरी है, अगर अल्लाह ने आंख दी है तो तस्वीरों का होना जरूरी है, अगर अल्लाह ने जबान दी है तो लफ्जों का ना जरूरी है, तो फरमाया कैसे मुमकिन है तुझे लामहदूद की तमन्ना है और कोई लामहदूद ना हो? फरमाया अगर जिसे लामहदूद मिल जाए उसे अबदी सुकून मिल जाता है। कहा मौला वो लामहदूद कौन है? फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो दुनिया में भी सुकून आखिरत में भी सुकून मिल जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।